देखो देखो, ये है प्यार। अभी भी प्यार की गर्मी और मनुहार। महीन तो शायद ये सब भूल ही गया है। क्या हो रहा है भाई? दीदी, बुबू को आपके साथ खाना खाना है। मनी माँ, याद करो आखिरी बार कब महीन ने तुम्हारी तरफ प्यार से देखा था। आपकी चाय टेबल पे रख दो। बिना किसी काम के आखिरी बार महीन ने कब तुमसे देर तक बात की थी? हाँ प्रतिभा, पानी का बिल पे कर दिया? जी मैंने बिल भर दिया है। और मैं क्या? आखिरी बार कब वो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया था? बताओ, आखिरी बार कब महीन ने प्यार किया था तुम्हें? प्यार 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 होता है ना, उसमें शुरुआत क्या बाद क्या, प्यार में तो ना आदि होता है ना कोई अंत। अगर मानोगी ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कैसे करोगी? याद करो बिना किसी का आखिरी बार कब महीन ने तुम्हारी तरफ प्यार से, अगर मानोगी ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कैसे करोगी? बस बस। क्या हुआ? ओ, तो ये है प्यार का साइड इफेक्ट। दीदी तो खुद से बातें भी करने लगी। वो मैं किसी बात को लेकर परेशान थी तो बस अपना मन शांत कर रही थी। खुद को शांत करना? पर आपको क्या हुआ है दीदी, इतनी हलचल क्यों है आपके मन में? वो माँ को डायबिटीज का टेस्ट करवाने के लिए कहा है डॉक्टर ने, इसी बात को लेकर परेशान हूँ। तो तबीयत कैसी है उनकी? तबीयत काफी समय से ठीक नहीं है उनकी, कमजोरी भी है और शायद उम्र की वजह से। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए प्रतिभा, इस उम्र में हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ये प्यार नहीं है, अच्छा इंसान और अच्छा दामाद होने के नाते महीन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अगर वो पलट कर तुम्हें देखता है और पूछता है कि माँ की वजह से तुम ज्यादा परेशान तो नहीं हो, समझना कि प्यार का कुछ अंश बचा है अभी भी। अभी भी वो तुम्हारे फिक्र करता है, तुम्हारे दर्द को समझता है। देखते हैं उसकी अपनेपन की नजर प्रतिभा पर पड़ती है या नहीं। सुनो प्रतिभा, जरूरत हो तो पैसे ले लेना मुझसे। गॉसिप क्वीन, आगे उसका पीछा करना शुरू कर। माइका तो तेरी जिठानी का एक बहाना है, असली मकसद तो अपने प्यार से मिलने जाना है। ओह माय गॉड मामा, अगर आपकी बात सही हुई ना। चाची, पीहू, क्या हुआ? प्रतिभा,
जी। ये लो, ये पैसे रख लो अपने पास। पैसे? हाँ चाची, चाची प्लीज मेरे को पैसे हैं तो मेरे पास भी हूँ, लेकिन मुझे अपने टेलर को देने हैं और वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं बस निकलने वाली थी। पियो तुम जाओ। पैसे तो नहीं दिए चाची ने, बट ये घड़ी, वाओ, इसे पहनूंगी तो इम्प्रेशन बन जाएगा। चाची, एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड की पार्टी है, वहाँ पे सब बहुत स्टाइलिश कपड़े और एक्सेसरीज पहन के आएंगे, तो क्या मैं आपकी वो वॉच पहन सकती हूँ? What? Please चाची, please 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 please. No way. वो मेरी थर्ड एनिवर्सरी की गिफ्ट है। चाची, आपका फैशन, आपका स्टाइल सब कितना सुपर्ब है, एकदम कूल। प्लीज ना चाची, थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने दो ना प्लीज। बदले में आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। कुछ भी। कुछ भी? यस चाची, कुछ भी। ओके, ये लो, पहन लेना। चाची, थैंक यू सो 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 मच चाची। इट्स ओके, इट्स ओके। पीहू, अब तुम जाओ, मुझे बहुत देर हो रही है। गो। पीहू, घड़ी पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। ओके? डोंट वरी चाची। सुनो, स्क्रैचेस भी नहीं आने चाहिए घड़ी में। ओके। सुनो, वेट 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 अ मिनट, लाओ इसमें रखो, रेस्टोरेंट में घुसने से पहले पहन लेना और बाहर आते ही वापस इसमें रख देना। टेक केयर। माँ। हाँ पियो। माँ, वो मुझे मेरी फीस के लिए पैसे चाहिए। पैसे? लेकिन कल ही तो तुम्हारी फीस के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। माँ, वो पता नहीं कैसे स्कूल से मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। क्या? पैसे चोरी हो गए? ऐसे कैसे? मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बताती हूँ, वो प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे। रुको, अभी लास्ट मोमेंट पे ये सब मत करो। फाइनल्स आ रहे हैं, लिस्ट से मेरा नाम कट जाएगा और पापा से डांट पड़ेगी, वो अलग। नहीं मॉम, इस वक्त मैं ये चांस नहीं ले सकती। और एंड मोमेंट पे कंप्लेन करने से तो अच्छा है कि आप मुझे पैसे ही दे दो। मॉम, दो ना प्लीज। ठीक है। हेलो। हाँ माँ, मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ हाँ, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जैसे ही आप मुझे देखेंगे ना, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आ रही हूं। प्रभु, हॉस्पिटल चलो। भैया, उस रिक्शे का पीछा करो। भैया, यहाँ से जरा लेफ्ट लेना। ये तो दीदी की मायके का रास्ता नहीं है। दीदी जा कहाँ रही है आखिर? मामा, हेलो,
मम्मा मैं दीदी का पीछा कर रही हूँ, दी अपने मायके नहीं जा रही, ये बात तो श्योर है। अब तो समझी। माय गॉड मम्मा, तुम्हारी इंस्टिंक्ट का तो जवाब ही नहीं। रुको रुको रुको, दीदी तो किसी हॉस्पिटल के पास रुकी है। परफेक्ट, रोमांस की मुलाकातों के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। कोई कैसे नहीं कर सकता कि आप दिल दिखाने आए हो या दिल लगाने। बट यू डोंट फॉरगेट, उन दोनों की पिक्चर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा प्रूफ होगा। कीप फॉलोइंग एजेंट सुनिधि, ओवर एंड आउट, समझी? डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? आप मिल सकते हैं उनसे। समझ में नहीं आता इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो तुम। तबीयत पूरी तरह खराब हो गई और अब बताया तुमने। देखो देखो अपनी माँ को, पानी जब तक सर के ऊपर ना चढ़ जाए कुछ नहीं बताती, सामने नहीं रखती, और आज भी यही हुआ। तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि पापा भी बिल्कुल महीन जैसे हैं, हॉस्पिटल में माँ को हिम्मत देने की जगह डांट रहे हैं। यहाँ भी प्यार नजर ही नहीं आता। शायद यही सच्चाई होती होगी, एक वक्त के बाद प्यार शायद खत्म ही हो जाता होगा। पता नहीं ये रिपोर्ट्स भी कब तक आएंगे। रिपोर्ट छपी भी आए, नॉर्मल आए बस। नॉट नॉर्मल पुष्पा जी, कॉम्प्लिकेशंस अभी भी हैं। एक्सक्यूज मी, तुम महेंद्र से मिली? हाँ। कैसा है वो? अपनी माँ की तरह गवार और जिद्दी। किसी और से मिली? सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं। किसी को नहीं पता कि आप यहाँ शहर में हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा आप यहाँ हैं जब तक कि मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। आपका फायदा उठाकर बहुत गड़बड़ की उन लोगों ने पिछली बार, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मेरी कमजोरी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को उनकी ताकत नहीं बनने दूंगी मैं। इस बार नहीं, आपका हक आपको मिल के रहेगा। मैंने प्रॉमिस किया है ना आपसे, मैं पूरा करूंगी। आपसे प्यार करती हूं मैं, प्रॉमिस तो नहीं तोड़ सकती ना। अब हमें चलना चाहिए। जी मैम। मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ। मम्मा दीदी तो लुका छुपी का खेल खेल रही मेरे साथ, और फिलहाल ना वही जीत रही हैं। मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, पर उनका कुछ भी पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चल रहा है रोमांस का खेल। क्या पापा, आप कब से माँ को यूं ही डांटे जा रहे थे? माँ की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है, उन्हें डायबिटीज नहीं है। शुक्र है। अरे वाह,
रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब तो मिठाई ले आइए, आपको डायबिटीज नहीं है पापा। ना ना, मिठाई बिल्कुल नहीं। मैं मिठाई लाऊंगा तो अगली बार तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे ही नहीं। अरे पापा प्लीज थोड़ी सी ले आइए ना। ठीक है लेके आता हूँ थोड़ी सी मिठाई। एक बात कहूँ माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से पापा आपको डांट रहे थे। अरे तुम उनकी डांट को क्यों सुन रही हो? उस डांट के पीछे तो बहुत सारा प्यार और चिंता है। पर माँ, ऐसी हालत में पापा आपको संभालने के बजाय बस डांटे चले जा रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑफिस ना जा पाने की चिंता उन्हें ज्यादा परेशान कर रही थी। वो सब मैं नहीं जानती, पर आज वो यहाँ आए, मेरे साथ इतनी देर रहे, बेटा इसी में तो उनका प्यार और अपनापन दिखाई देता है। चल अभी सब मत सोच। अरे वो देख, पर्स यहीं पे भूल गए, जा जल्दी जाके दे दे उन्हें। अरे कोई बात नहीं माँ, महीन ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं मिठाई ले आती हूँ। दामाद जी के पैसे से अगर मैंने मिठाई खा ली तो डायबिटीज पक्का। आप भी ना माँ, जा जल्दी जाके देखे। तेरा लाख लाख शुक्र भगवान, सब तेरी वजह से हुआ। सुषमा के सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। पापा? अरे प्रतिभा, आप, मैं तो बस यूं ही यहाँ। पापा वहां अंदर तो आप माँ को डांट रहे थे ना। तो क्या करता हा? अंदर अपनी माँ की हालत देखी थी ना तुमने, कितने टेंशन में थी। उस पर से अगर मैं भी अपना डर जाहिर कर देता तो उस पर क्या बीतती। वैसे आज मैं बहुत खुश हूं, सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, शी इज फाइन, सुषमा बिल्कुल ठीक है। अब इनफैक्ट बेटा मैंने ये सोचा है कि अब से मैं कैलेंडर में ना टिक मार्क कर दिया करूंगा उसके अगले चेकअप के डेट के लिए, ताकि आगे हमें टेंशन न झेलनी पड़े। पापा आप मां से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना। पत्नी है मेरी बेटा, और वैसे भी बीवी को बेटर हाफ ऐसे नहीं बोला जाता। पर बेटा आज एक बात तो रियलाइज हो गई, मुझे एहसास हो गया कि हम लोग सच में बुढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हम लोग, हमेशा के लिए इस दुनिया में तो नहीं रहने वाले, एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। और ऐसे हालत में ही इंसान को पता चलता है कि वो हम सामने वाले को कितना चाहते हैं, उसे कितना प्यार करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं उस इंसान से, वरना इंसान का क्या, वो तो कभी भी गुड बाय बोल दे। इसलिए बेटा जिंदगी छोटी हो या बड़ी, उसे खुशी से जीना चाहिए, उसे प्यार से जीना चाहिए। और हाँ, अपनी माँ को ये मत बोलना कि मैंने ये सब तुम्हें बताया है, और आंसू वाली बात तो कतई नहीं कहना, समझी? हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी। गुड। वैसे
आप तो मिठाई खरीदने गए थे ना पापा? अरे हाँ बेटा, वो मैं गया तो था लेकिन इसके बिना। मेरी गुड़िया, पापा जैसे ही तो है महीन भी, हो सकता है वो भी पापा की तरह अपनी फीलिंग्स मन में ही रखते हो, यानी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है।